क्षेत्र में सद्भाव और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने 21 से 22 अक्टूबर तक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में ऑपरेशन सद्भावना के तहत पीर पंचाल कबड्डी लीग का आयोजन किया। स्थानीय स्कूल, कॉलेज और युवा समूह उत्साह पूर्वक इस पहल में शामिल हुए, जिसमें कुल 8 टीमें, 6 मेल और 2 फीमेल बनाई गईं। इस कार्यक्रम में 500 छात्र शामिल हुए। खेलो इंडिया भद्रवाह टीम ने एक कड़े मुकाबले वाले फाइनल मैच में डोडा वॉरियर्स को हराकर पीर पंचाल कबड्डी टूर्नामेंट की ट्रॉफी के साथ 25,000 का नगद पुरस्कार जीता, तो वहीं रनर्स अप को ट्रॉफी और 15,000 नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म डिपार्टमेंट यशा मुदगल ने कहा कि पर्यटन विभाग के मीडिया डायरेक्टर जम्मू और जम्मू तवी गोल्फ कोर्स के सहयोग से जम्मू के सिद्धार्थ तवी गोल्फ कोर्स में 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले में गगनगीर में हुए आतंकी हमले के संदर्भ में जांचकर्ताओं ने 40 से अधिक संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक डॉक्टर और 6 श्रमिक शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि हमलावरों ने इस हमले की योजना बहुत ही सुनिश्चित तरीके से बनाई थी और आतंकवादी सहयोग नेटवर्क की मदद से इसे अंजाम दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हम जल्द ही आतंकवादियों को पकड़ लेंगे। वो डॉक्टर एक दो नहीं, पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बचाता था। वो श्रमिक जिन्हें भरे त्योहार में मारा देश के विकास को रफ्तार दे रहे थे। एक दो नहीं बल्कि उन्होंने हमारे 7 बच्चों को मारा है। हमारी कंपनी के 14,000 से अधिक कर्मचारी सदमे में हैं। मेरे लिए बच्चों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रोजेक्ट तैयार है, जल्द ही लोग उस पर फर्राटा भरेंगे। आक्रोश, सदमे और भावुकता से भरे ये शब्द हैं गांधरबल के एप्टो टनल परियोजना पर काम कर रही कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंह के। उन्होंने कहा कि ऐसी कायराना हरकत का देश जरूर जवाब देगा। गांधरबल हमले में लश्करे तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी आतंकियों के शामिल होने का शक है। आतंकियों ने कैंप और मजदूरों की गतिविधियों की रैकी की, साइट प्लान का अध्ययन किया और हमले को अंजाम दिया। जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि शांति प्रिय इलाका माने जाने वाले गगनगीर में आतंकी हमले के पीछे स्थानीय मददगारों का हाथ हो सकता है, जिन्होंने न केवल आतंकियों को शरण दी बल्कि उन्हें लाने और ले जाने में भी मदद की। एजेंसियों को कैंप में रह रहे स्थानीय मजदूरों पर भी जानकारी साझा करने का शक है। रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध है, हमारी गहरी मित्रता है, हमारे संबंध और मजबूत होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर हमारा संपर्क बना हुआ है, हर समस्या का हल शांति से ही हो सकता है। भारत मानवता को प्राथमिकता देने के लिए तैयार है। हम शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं।